जिला प्रशासन के निर्देशानुसार एनटीपीसी सीपत में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बिलासपुर ने जिला स्तर में संयुक्त मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया। इसके पहले भी परियोजना प्रमुख सभाकक्ष में मॉक ड्रिल के पूर्व योजना बनाने हेतु टेबल टॉप बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केमिकल आपदा से बचाव के लिए मॉक ड्रिल को चयनित कर निर्धारित स्थल को चिन्हित किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्रियल आपदा की दशा में योजनाओं की प्रभावशीलता व उच्च तैयारी की जांच कर आपदा प्रबंधन प्रणाली और परस्पर सहयोग को सुरक्षित करने को कहा गया। बिलासपुर से सतीश पाटवे की रिपोर्ट। एनटीपीसी सीपत में एक संयुक्त मॉकड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें एसडीआरएफ साथ में एनडीआरएफ की टीम भी आई थी कटक से। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी शामिल हुई, उद्योग विभाग भी था और पुलिस विभाग के भी कुछ अधिकारी थे। तो इस प्रकार एक संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल हमारा बेसिकली था आपका रासायनिक आपदा से संबंधित। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारी गैसेस रहती हैं जो पॉइजनस रहती हैं, तो उसी प्रकार से इस बार हम जो किए थे वो क्लोरीन गैस लीकेज के संबंध में था। क्लोरीन गैस अगर लीक होती है तो उस समय हमको क्या कार्रवाई की जानी है, कौन कौन सी टीम भाग लेती है और कब उसको मतलब सीरियस क्या कहते हैं कैलामिटी के रूप में लिया जाता है, इस प्रकार का पूरा संयुक्त अभ्यास किया गया।